सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं डीलर के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, और आज की क्लास में पढ़ना है क्या, डीलर। तो देखिए, जो डीलर शब्द आपका बना हुआ है वो डील से बना हुआ है। जैसे कि मान के चलिए, हम बहुत सारे प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, जैसे कि सर्विस को डील कर रहे हैं या गुड्स को डील कर रहे हैं, तो हमको डीलर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डीलर कहा जाएगा। या तो आप गुड्स को सेल करिए या तो आप सर्विस को डील करिए। जैसे कि मान के चलिए कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। हमारे कंप्यूटर, हमारे व्यवसाय में बहुत सारा कंप्यूटर ला करके रखा गया है और हम डीलिंग करके अपने कंप्यूटर को सेल करते जा रहे हैं, तो क्या हम डीलर नहीं कहलाएंगे? बोलिए। तो जीएसटी में दो प्रकार के डीलर होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के डीलर होते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए, यदि आप अपना बिजनेस किए हैं, तो आप अपना यदि बिजनेस आप किए हैं, तो आपको बिजनेस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि नहीं कराना होगा? बोलिए, कराना होगा ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से टाइप्स ऑफ डीलर में टू टाइप्स ऑफ डीलर आता है। अगर आप व्यवसायी हैं और यदि आपने बिजनेस किया है, तो मैंने कल आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में पढ़ाया था ना कि रजिस्ट्रेशन कराना किसके लिए अनिवार्य होता है, लेकिन किसमें कराएगा वो, तो इसके लिए गवर्नमेंट दो प्रकार का डीलर तैयार करती है। एक आपका रेगुलर डीलर और एक आपका कंपोजिशन डीलर। यहाँ पे लिखा भी गया है, कह रहा है कि डीलर को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर निम्नलिखित तो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है डीलर को। एक आपका आता है रेगुलर डीलर और एक आपका आता है कंपोजिशन डीलर। टर्नओवर का मतलब बिक्री, जो सेल करता है 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च में वो कितना रुपए का सेल कर रहा है, उसी को हम टर्नओवर बोलते हैं। मैंने बताया भी था कल टर्नओवर के बारे में। तो अब ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सर, कौन ऐसा व्यवसायी है जो रेगुलर में जाए और कौन ऐसा व्यवसायी है जो कंपोजिशन में जाए? मात्र ही दो डीलर होते हैं। या तो आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन रेगुलर में होगा या तो आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में। तो इसमें एक चीज थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप लोग बुक में बना लीजिएगा। ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, 1.5 करोड़ से ज्यादा है, इसमें बना लीजिएगा। 1 करोड़ को काट के 1.5 कर लीजिएगा। करा कि ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो उन्हें अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के रेगुलर स्कीम में कराना होगा। नहीं समझ में? कोई ऐसा व्यापारी है जो अपना टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है उसका, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको रेगुलर के स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए, एनुअल टर्नओवर का मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक यदि आप 1.5 करोड़ से ऊपर का सेल कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपके लिए रेगुलर डीलर दिया गया। आप किस स्कीम में आएंगे? रेगुलर डीलर में आएंगे। और कह रहा है कि उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में कराना होता है और ऐसे डीलर्स को अपना टैक्स मंथली और क्वार्टरली जमा करना होता है। कैसे डीलर को? रेगुलर डीलर। यदि आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में हुआ है, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आप 1-1 महीने का भी जीएसटी दे सकते हैं या आप 3 महीने में एक बार भी दे सकते हैं। अरे, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में एक बार। शशि आराम से सो रहे हैं। गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आपका रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन है, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते हैं, या तो आप 1 महीने में दे सकते हैं या 3 महीने का एक बार भी आप दे सकते हैं। ये लागू होता है किसके लिए? रेगुलर। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप चलिए, आप कह रहा है कि ऐसे डीलर को अपना टैक्स मंथली या क्वार्टरली जमा करना होता है और ऐसे डीलर को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करना होता है। अब बताइए, ये डीलर कैसे टैक्स को मतलब कि कलेक्ट करेगा, ये गवर्नमेंट को कैसे टैक्स देगा? तो इसके लिए यहाँ पे फार्मूला दिया गया। और कौन सा फार्मूला? तो जीएसटी पेबल बराबर टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। यानी कि जीएसटी पे तब करेगा इसके फार्मूले के हिसाब से, टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी को घटाएगा तब। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऐसे डीलर को अपना टैक्स मंथली क्वार्टरली जमा करना होता है और ऐसे डीलर को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करना होता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। और
और कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 से कह रहा है कि QRMP स्कीम के अंतर्गत क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। क्या समझे? एक जनवरी 2021 से पहले आप मर्जी करता था तो आप 3 महीने में एक बार आप दे सकते थे जीएसटी, या सिंगल महीने का भी आप दे सकते थे। तो अगर हम 1 महीने का बोले तो जैसे कि आपने अप्रैल का दे दिया, अप्रैल का पूरा हुआ था, मई का आपने दे दिया और मई का पूरा हुआ तो जून का आपने दे दिया, अगर इस तरीके से आपने नहीं दिया है तो 3 महीनों का आप एक बार दे दीजिए। समझ में आ रहा है ना? या सिंगल महीना का दीजिए या 3 महीने का एक बार आप दीजिए, लेकिन जीएसटी आपको देना ही देना है। तब कह रहा है कि जैसे ही 1 जनवरी 2021 आया तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नियम आ गया, एक नया स्कीम आ गया, आपको QRMP स्कीम के अंतर्गत 3 महीने में एक बार आपको जीएसटी देना है। एक एक महीने वाला खत्म हो गया आपका। समझ में आ रहा है ना? आप 3 महीने कमाइए और 3 महीने कमाने के बाद एक बार आप जीएसटी गवर्नमेंट को दे दीजिए। लेकिन पहले क्या था, 1 जनवरी 2021 से पहले आप एक एक महीने का दे सकते थे, लेकिन जैसे ही 1 जनवरी 2021 आया तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमको 3 महीने पे एक बार जीएसटी हमको चाहिए, और ये स्कीम का नाम आता है क्या, QRMP स्कीम। अब चलिए, अब ऐसे भी तो क्वेश्चन बनता है कि सर रेगुलर डीलर अगर जीएसटी में, मतलब कि रेगुलर डीलर अगर वो टैक्स देगा तो उसके लिए फॉर्मेट क्या है, तो कब टैक्स गवर्नमेंट को देगा और कब नहीं देगा, या कब एडजस्टमेंट कराएगा, तो इसके लिए फार्मूला लिखा हुआ है कि जीएसटी पेपर बराबर टैक्स लाइबिलिटी माइनस ITC। अब इसको हम कैसे समझेंगे तो देखिए, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, अच्छे से समझिए। जैसे कि मान के चलिए, अभी मैंने आपको बताया है कि रेगुलर डीलर ये टैक्स कैसे देगा, तो इसके लिए फार्मूला है आपका जीएसटी पेबल बराबर टैक्स लाइबिलिटी माइनस ITC। अब बताइए, इसके पहले तो मैंने आपको टैक्स लाइबिलिटी और ITC के बारे में पढ़ाया है, तो टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है? टैक्स लाइबिलिटी होता है और ITC। हमारा ITC होता है, ये मैंने इसके पहले भी पढ़ाया है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टैक्स लाइबिलिटी तब पड़ती है जब हम किसी गुड्स को या सर्विस को सेल करते हैं, ITC तब प्राप्त होती है जब किसी गुड्स या सर्विस को खरीदते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे इस फार्मूले के आधार पे अपना काम करना है, जीएसटी पेबल बराबर टैक्स लाइबिलिटी माइनस ITC। तो मान के चलिए आपने जब प्रोडक्ट को बेचा तो आपने टैक्स लिया कितना रुपया, आपने जब प्रोडक्ट को बेचा तो आपने टैक्स कितना लिया, 10 रुपया, और जब आपने उसी प्रोडक्ट को खरीदा था तो आपने टैक्स दिया था कितना रुपया, 5 रुपया। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले तो मैंने आपको इक्वल इक्वल बताया था ना, अब इसमें समझिएगा कैसे कैसे आपको कैलकुलेशन करना होता है। अब दोनों में क्या जाता है, टैक्स लाइबिलिटी की ITC, टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा है। मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है, अगर हमको कीबोर्ड की जरूरत है तो एक पीस कीबोर्ड खरीद के लेके आएंगे, लेकिन अगर दुकानदार कीबोर्ड खरीदने जाएगा तो एक पीस नहीं लेके आएगा, वो 12 पीस, 25 पीस, 50 पीस लेकर के आता है। तो मान के चलिए जब वो खरीदा था कीबोर्ड तो टैक्स कितना रुपया दिया था, 5 रुपये, और जब कीबोर्ड को ये बेच रहा है तो टैक्स कितना रुपया ले रहा है, 10 रुपये। तो अब बताइए टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा है किससे, ITC से, और कितना ज्यादा है, 5 रुपये। तो जितना ज्यादा होगा, गवर्नमेंट ये कहता है कि आपका टैक्स लाइबिलिटी 5 रुपया ज्यादा है, इतना जीएसटी हमको दे दीजिए, इतना जीएसटी आप हमको दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपने खरीदा था तो टैक्स मान कर 5 रुपया दिया था, लेकिन जब आप बेच रहे हैं तो 5 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, तो 5 रुपया हमको जीएसटी के तौर पर दे दीजिए आप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर टैक्स लाइबिलिटी वाला पैसा ज्यादा होगा ITC से, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि जितना भी ज्यादा होगा उतना आप हमको उसी में दे दीजिए, ताकि ये कल की डेट में आपका पेंडिंग ना हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यदि हम कहें आपसे कि जैसे कि मान के चलिए हमने बेचा था, मैंने खरीदा था, तो खरीदते समय या बेचते समय, मान के चलिए मैंने जब खरीदा था तो खरीदते समय कुछ अलग टैक्स मैंने दिया था,
और बेचते समय कुछ हम अलग टैक्स ले रहे हैं। जैसे अगर हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट को तो टैक्स कितने रुपया ले रहे हैं? 5 रुपया ले रहे हैं। जब हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो टैक्स कितना ले रहे हैं? 5 रुपया। और जब मैंने खरीदा था तो खरीदते समय टैक्स मैंने कितने रुपया दिया था? 10 रुपया दिया था। अब ये बैलेंस हमारा माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस क्या होगा? 5 रुपया। यानी कि 10 में से आपने जब सेल किया तो आपने कस्टमर से टैक्स कितने रुपया लिया? 5 रुपया लिया। लेकिन जब आप खरीदे थे तो आपने कितना रुपया टैक्स दिया था? 10 रुपया दिया था। तो अब -5 रुपया आ रहा है ना, तो ये बताइए टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा है कि आईटीसी ज्यादा? आईटीसी आईटीसी ज्यादा। तो गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आपका आईटीसी ज्यादा है तो जितना ज्यादा है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अगले महीने एडजस्टमेंट कर दिया जाए। उसके लिए अगले महीने एडजस्टमेंट कर दिया जाए, वो हमारे ऊपर बकाया रहेगा, गवर्नमेंट ये कहता है, और उसको अगले महीने में एडजस्टमेंट कर दिया जाए। जैसे मान के चलिए 50 पीस आपने जो है लैपटॉप खरीद के अपनी दुकान में लेके आए और आपने 5% उसमें जीएसटी दिया था, और 50 पीस आपने लैपटॉप खरीद के लेके आ गया घर अपनी दुकान पे, आपने रख लिया और आपके घर कोई फंक्शन पड़ गया, 1 महीना उस फंक्शन में बिजी रह गए, तो क्या दुकान आप खोलेंगे? दुकान आपने खोला नहीं तो आपका बिक्री थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। तो अब आप जब सेल कर रहे हैं तो कमे में आप सेल कर रहे हैं, जब आप सेल कर रहे हैं तो कमे में आप सेल कर रहे हैं, तो जब कम में सेल करेंगे तो आपका लॉस होगा ना। तो गवर्नमेंट ये कहेगा देखिए अगर आपने खरीदा था तो आपने 10 रुपया टैक्स दिया था, आप 1 महीना बैठ गए मतलब उससे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने खरीदते समय 10 रुपया टैक्स आपने दिया था और बेचते समय अगर आप टैक्स 5 रुपया ले रहे हैं, तो अगर ये 5 रुपया आपका लॉस जा रहा है, ये जो टैक्स आपका जा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 रुपया हम अगले महीने में एडजस्टमेंट करके खत्म कर देंगे। आखिर अगले बार भी तो कुछ आप टैक्स देंगे, उसी टैक्स में जाके भी हमारा जुड़ जाएगा, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। आप समझ में आ रहा है ना? यानी कि टैक्स लाइबिलिटी वाला पैसा आईटीसी से ज्यादा रहे तो गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। किसके लिए? रेगुलर के लिए। अगर आईटीसी का पैसा रेगुलर से ज्यादा रहे तो गवर्नमेंट ये कहता है कि जितना भी ज्यादा रहेगा उतना हम अगले महीने में क्या करेंगे? एडजस्टमेंट कर। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर खरीदते समय मैंने 5 रुपया दिया था, खरीदते समय मैंने 5 रुपया दिया था और बेचते समय भी मैंने कस्टमर से 5 रुपया लिया है, तो 5 से 5 बराबर हो जाएगा, तो क्या जीएसटी देना पड़ेगा? खरीदते समय आपने 5 रुपया जीएसटी दिया था और बेचते समय कस्टमर से आप 5 रुपया जीएसटी ले रहे हैं, तो अगर 5 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा? गवर्नमेंट कहेगा नहीं, इनको टैक्स नहीं चाहिए रहने देश। आपने खरीदते समय तो 5 रुपया टैक्स दिया ही था और बेचते समय भी आपने 5 रुपया टैक्स ले ही लिया, तो हमको उस महीने में जीएसटी नहीं चाहिए। जीएसटी तभी चाहिए जब आपका टैक्स लाइबिलिटी वाला अमाउंट ज्यादा हो किससे। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? आवाज नहीं आ रहा? आ गया। एक प्रोडक्ट खरीदे नहीं, मैं एक एग्जांपल बताया हूँ, कोई जरूरी है कि अपना व्यापार हम स्टार्ट करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट पे जीएसटी देंगे? उस सब मिला की बात हो रही है ना, मैंने एक छोटा एग्जांपल आपको बताया था कि आपको समझ में आ सके। होता सही है वो, लेकिन कब ले सकते हैं और कब दे सकते हैं इसका प्राविधान है ना, इसका नियम है ना रेगुलर में, कि अगर आपका जीएसटी वाला पैसा, अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी वाला पैसा आईटीसी से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना गवर्नमेंट को आप टैक्स दीजिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताया, यदि आपका आईटीसी वाला पैसा ज्यादा है टैक्स लाइबिलिटी कम है तो जितना ज्यादा होगा उसको अगले महीने में एडजस्टमेंट किया जाएगा, ये गवर्नमेंट का प्राविधान है, रूल है, उसके तहत हमको चलना होगा, ठीक है ना? अगर दोनों इक्वल आ गया तो फिर आप मत दीजिए उस महीने का इंस्टॉलमेंट, उसमें जीएसटी नहीं आपको देना, ठीक है? अब चलिए अगला पॉइंट आपका क्या दिया है, तो अब यहाँ पे अगला जो आइटम, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, अभी तो मैंने आपको केवल रेगुलर के बारे में पढ़ा है, अब कौन सा दिया है? कंपोजिशन डीलर दिया हुआ। तो देखिए कंपोजिशन डीलर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो तो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकता है। वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया था और इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए गए। मैंने अपडेट तो किया ही था ना? आज सर बोले अपना डैशबोर्ड भी देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि कंपोजिशन डीलर के बारे में, रेगुलर में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है रेगुलर में? अब चलिए हम चलते हैं कंपोजिशन डीलर में। कह रहा है कि ऐसे डीलर हैं
जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो तो वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकते हैं। और वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो जीएसटी की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कंपोजिशन नियम को लाया गया था। और फिर कह रहा है कि इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए गए थे। अब देखिए इसमें बस एक ही नियम था कि आपको 3 महीने में एक बार आपको जीएसटी देना है, और प्लस टैक्स लाइबिलिटी से अगर आपका आईटीसी कम होगा तो आपको जीएसटी देना है। लेकिन इसके लिए देखिए कितना सारा नियम दिया गया, किसके लिए? कंपोजिशन के लिए। अब ये कह रहा है पहला नियम इसमें कह रहा है कि ऐसे डीलर को अपने टर्नओवर का निर्धारित परसेंटेज करंट रेट के हिसाब से 1% टैक्स को ही गवर्नमेंट के रूप में देना होता है। मतलब आप 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक कितना आप कमा रहे हैं, मतलब उससे नहीं, आपको मात्र 1% आपको टैक्स देना होता है। ये नियम किसके लिए? कंपोजिशन के लिए। अगर आप 100 रुपया भी कमा रहे हैं तो 100 रुपया में 1% का मतलब हुआ 1 रुपया गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना होता है। ये रूल किसके लिए? कंपोजिशन के लिए। उसका 1% जितना भी टर्नओवर हुआ हो, 28,000 है, 29,000 है, जितना भी, उसका 1% आप निकाल लीजिए, उतना ही टैक्स देना। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए दूसरा क्या नियम है, तो कह रहा है कि ऐसे डीलर्स को ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, और न ही टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए आवश्यक रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, और न ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत होती है, और न ही सेल्स और परचेस का इनवॉइस रिटर्न भी फाइल करना होता है। अब बताइए कंपोजिशन वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ना तो आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है कि हमारी स्टॉक में क्या बचा है, क्या भी किया है, या तो आप सेल परचेज का इनवॉइस देना है, कुछ आपको नहीं देना। जबकि ये सारा व्यवस्था लागू होता है किस पे? रेगुलर वाले पे लागू होता है। अरे रेगुलर के लिए क्या है, वो अपना एक अकाउंटेंट रखेगा, वो अपना सारा अकाउंटिंग करवाएगा, उसको कुछ पेमेंट देगा, तब तो जाके काम होगा, उसके पास वो अपना सारा व्यवस्था लेकर के चलेगा। लेकिन कंपोजिशन के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, बस कंपोजिशन के लिए कई नियम समझना होता है कि जब हमारा 1% मतलब कि जितना भी हमारा टर्नओवर होगा उसका 1% हम गवर्नमेंट को दे देंगे, बाकी से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये भी तिमाही देगा, यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसे डीलर्स को केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है। 1% देगा वो भी 3 महीने में मात्र एक बार देगा। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए इसके बाद से दिया है कि ऐसे डीलर को न तो आईटीसी प्राप्त होगा और ऐसे डीलर को टैक्स इनवॉइस करने का भी अधिकार नहीं। मतलब कि टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार किसको दिया गया है? रेगुलर डीलर को ही दिया गया। और इसमें ये बताया गया है कि बाबू ना तो तुमको आईटीसी प्राप्त होगी और नहीं नहीं तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगी, और नहीं तुमको टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार भी दिया गया। और ये सारा लागू होता है किसके ऊपर? रेगुलर के ऊपर। अब चलिए अब कह रहा है कि ऐसे डीलर टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि कंपोजिशन डीलर टैक्स को कलेक्शन नहीं कर पाएगा। ये आपके नियम दिए गए किसके लिए? कंपोजिशन के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? और भी बेहतर तरीके से समझना है तो एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल के माध्यम से हम समझते हैं। इसमें दो चीज बना लीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे बस 25,000 लिखा है, यहाँ पे 2,500 लिखा हुआ, इसमें को 0 बढ़ाइए। जीरो बढ़ गया, 2,500 है ना, इसमें एक जीरो बढ़ा के 25,000 कर लो, हो गया। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी 5% के नीचे, इसमें भी कंपोजिशन है, इसमें भी कंपोजिशन है, तो इसमें तो रेगुलर होना चाहिए ना, इसको रेगुलर कंपोजिशन को काट के रेगुलर कर लीजिए। हाँ लेफ्ट राइट वाले में, रेगुलर वाले में। हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ऐसे ही फॉर्मेट मैंने बनाया है एक्सेल के बेस पे, एक्सेल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सेम वही फॉर्मेट मैंने एक्सेल पे भी बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हाँ इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दो प्रकार का डीलर आपका दिया गया है, एक है आपका कंपोजिशन डीलर और एक है आपका
रेगुलर डीलर। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है कि कंपोजिशन डीलर को ना तो आईटीसी प्राप्त होगी और ना तो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन ये सारा मिलेगा किसको? रेगुलर को। आईटीसी को भी मिलेगी और टैक्स लाइबिलिटीज के लिए बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई प्राविधान नहीं दिया गया। आप कैसे समझेंगे इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा रेगुलर और कंपोजिशन में अंतर। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर कंपोजिशन और यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर, तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया राजू और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया राजेश, समझने के लिए, बाकी आप कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि मान के चलिए अगर कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर में हम अंतर समझना चाहें, तो मान के चलिए कि कंपोजिशन डीलर अगर कोई अगर प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 25,000 रुपया देना पड़ेगा। और यही अगर रेगुलर वाला भी खरीदेगा तो कितना देना पड़ेगा? 25,000 देना पड़ेगा। अब अगर कंपोजिशन वाला अगर खरीद रहा है तो उसपे 5% जीएसटी लागू हो रहा है, तो इस पे भी कई परसेंट जीएसटी लागू होगा? 5% ही लागू होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25,000 ये हो गया आपका 25,000 का 5%, और ये भी हो गया आपका 25,000 का 5%। नहीं, 25,000 का 5% नहीं है, ये 5% आपको टैक्स देना हो रहा है 1,250 रुपये, ठीक है, और ये भी आपको 5% टैक्स देना हो रहा है 1,250 रुपये। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 25,000 तो ये हो गया आपका, 25,000 का 5% आपका 1,250 रुपया ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये 1,250 रुपया किसके लिए हो गया? रेगुलर के लिए। कंपोजिशन के लिए भी सेम है, रेगुलर के लिए भी सेम। तो अगर हम इन दोनों पैसे को जोड़ेंगे तो 25,000 और प्लस 1,250 कितना हो जाएगा? 26,250 रुपये। और इधर भी आप जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 26,250 रुपये। दोनों बराबर है, यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए, आप कह रहा है कि कंपोजिशन डीलर के लिए कह रहा है कि मार्जिन से 10% ऐड भी किया जाता है, और ये किस पे ऐड होता है? तो कह रहा है कि टैक्स और प्लस परचेज पे ऐड होता है। अब ये पैसा टैक्स और प्लस आपका परचेज बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका परचेज का भी अमाउंट लिखा है और आपका जीएसटी का भी अमाउंट लिखा है, दोनों जोड़ करके 26,250 आया है। बोलिए, ये 26,250 आया है, तो 26,250 ही आया है, तो मतलब कि आप ये समझिए कि 25,000 ये तो परचेज हो गया और जीएसटी प्लस 5% हो गया, ये दोनों जोड़ करके 26,250 आया। अब ये अगर 10% ऐड कर रहा है तो किस पे ऐड कर रहा है? तो कह रहा है कि टैक्स पे और प्लस परचेज पे, तो टैक्स और परचेज जोड़ करके आया कितना है? 26,250। तो 26,250 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 2,625 रुपये आएगा। सही है कि गलत है? आप चलिए राइट साइड में। अब इसके लिए जब मार्जिन सेट होता है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि इसमें केवल इनका किस पे लगेगा? परचेज परचेज पे लगेगा, केवल इनको परचेज पे मात्र 2,500 रुपया देना, और वो भी कई परसेंट? 10%। तो 25,000 का आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,500 हो जाएगा। तो यहाँ पे 125 इसका ज्यादा है और यहाँ पे 125 इसका कम। सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप देखिए, यहाँ पे 2,625 है और यहाँ पे कितना है? 2,500, यानी कि 125 रुपये इससे ज्यादा है। ज्यादा है कि नहीं है? अब चूंकि अब ऐसे क्वेश्चन बनती है कि सर इधर 125 ज्यादा क्यों है और इधर 125 कम क्यों? तो देखिए, अगर ये किसी गुड्स को अगर क्या करेगा, वो परचेज करेगा, खरीदेगा, तो इसके लिए कोई अकाउंटेंट को रखने की जरूरत नहीं होगी, ये अपना स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन रेगुलर वाले के लिए तो होगा ना? बोलिए, रेगुलर वाला तो अपना मेंटेन करेगा ही करेगा, इसलिए गवर्नमेंट ये कहता है कि बाबू ये जो आपका 10% जब हम ऐड करेंगे ना, तो इसमें आपका टैक्स भी ऐड होगा और प्लस परचेज भी ऐड होगा, दोनों ऐड करके तब हम 10% ऐड करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट रेगुलर के लिए कहता है कि बाबू आपके लिए केवल परचेज पे 10% आपको देना, तब जाके आपको 2,500, इसीलिए इसका कम होगा और इसका क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा नियम कानून है। बताइए, देखिए यहाँ पे जो है इसके लिए आ गया 2,500 रुपया, लेकिन इसके लिए आ गया कितना रुपया? 2,625 रुपया। गवर्नमेंट ये कहता है कि बाबू आपको मान के चलिए कि आपको एक अकाउंटेंट की आवश्यकता होगी, आप अपने काम सुचारू तरीके से करवाएंगे, आपको टैक्स ज्यादा नहीं देना होगा, ये मात्र आप 2,500 रुपया आपका मार्जिन साइड होगा, लेकिन इसके लिए क्या आ गया? 2,625 रुपया। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेल्स प्राइस,
अगर वही प्रोडक्ट कंपोजिशन डीलर बेचेगा तो कै रुपया लेगा, और वही प्रोडक्ट अगर रेगुलर डीलर बेचेगा तो कौ रुपया लेगा। तो अगर ये कंपोजिशन डीलर अगर उसी प्रोडक्ट को बेचेगा तो ये कह रहा है कि डीलर कास्ट प्लस मार्जिन से ये दोनों ऐड करके बेचेगा। अब डीलर कास्ट इसका कितना आया? 26,250 रुपया, और प्लस मार्जिन कितना आया? 2,625 रुपया। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 28,875 रुपया आ जाएगा। सही है कि नहीं है? अब इधर आइए राइट साइड में, गवर्नमेंट इसके लिए ये कहता है कि बाबू जब आप सेल करिएगा तो आपका परचेज और प्लस मार्जिन से ऐड होगा। यानी कि परचेज आपने 25,000 में किया था और प्लस मार्जिन से आपका मिल गया 10%, 2,500 रुपया। यानी कि 25,000 प्लस 2,500 जब दोनों जोड़ेंगे तो 27,500 रुपया होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलिए। अब चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट, यहाँ पे इसके लिए कंपोजिशन के लिए बात हो रहा है कि आपके लिए 0% टैक्स लगेगा, आपके लिए 0% टैक्स लगेगा, लेकिन आपके लिए 5% यानी कि 1,375 रुपया टैक्स लगेगा। क्यों? तो देखिए, अभी मैंने बताया है कि जब कंपोजिशन डीलर अगर किसी गुड्स को सेल करेगा तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है, तो इसीलिए इसके लिए 0 हो गया है। और ये रेगुलर तो टैक्स कलेक्ट करेगा ना, तो इसके लिए कितना हो गया? 1,375। आप खुद देखिए, आप यहाँ पे अगर आप जो है 27,500 का यदि आप 5% निकालेंगे तो आपका 1,375 रुपया अमाउंट है। कितना आएगा? 1,375 आएगा। ये आप लोग लैब में कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये कह रहा है कि जीएसटी आपको लेना है क्या रुपया? 1,375 हो गया जब गुड्स आप सेल करेंगे तब। और ये गुड्स को सेल करेगा तो कुछ जीएसटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब चलिए, अब इसका कस्टमर का टोटल प्राइस हो जाएगा 28,875 रुपये। क्यों? क्योंकि जीएसटी नहीं लिया। और ये जब जीएसटी लेगा तो ये भी तो पैसा इसमें जुड़ेगा। तो 27,500 तो आपने कस्टमर का दाम बताया था, लेकिन 5% आप जीएसटी भी ले रहे हैं, तो 27,500 और प्लस 1,375 ये दोनों जोड़ेंगे तो इसका भी आ जाएगा 28,875। यानी कि या तो आप कंपोजिशन से खरीदिए या तो आप रेगुलर से खरीदिए, अमाउंट दोनों का क्या होता है? सेम होता है, बराबर होता है, लेकिन जीएसटी दोनों में आपको देना होता है। अब देखिए, अब ये 28,875 का क्या परसेंट देगा? 1% गवर्नमेंट को टैक्स देगा। मैंने लिखा भी है, कह रहा कि टैक्स पेबल बराबर होता है 1% ऑन टर्नओवर। आप आ रहे हैं 28,875, कै रुपए का ये बेचा है? 28,875। तो 28,875 का अगर आप 1% निकालेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 289। और इधर देखिए, इधर 28,875 रुपये का क्या है? तो कह रहा है कि इसमें आपका टैक्स लाइबिलिटी और माइनस आईटीसी, टैक्स लाइबिलिटी में से आईटीसी का पैसा घटा दीजिए और जितना बचेगा उतना ही गवर्नमेंट को टैक्स जमा करिएगा। तो टैक्स लाइबिलिटी कितना है? 1,375 रुपया टैक्स लाइबिलिटी है। अरे सेल करेंगे तभी तो टैक्स लाइबिलिटी होगी, और परचेज करेंगे तो हमारा क्या होगा? आईटीसी प्राप्त होगी। यानी कि 1,375 में से 1,250 आप घटाएंगे तो 125 रुपया आपका आएगा। यही 125 रुपया क्या करेगा? ये रेगुलर डीलर वाला क्या करेगा? ये इसमें टैक्स जोड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा। लेकिन ये टैक्स कितने देंगे गवर्नमेंट को? 289 देंगे। अंतर समझ में आया? तो बस यही है आपका कंपोजिशन और रेगुलर। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है? आवाज नहीं आ रहा। एक देखो बार दोहरा दें? ठीक है, दोहरा दे रहे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, मैं बता दे रहा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान के चलिए कि ये परचेज कर रहा है कंपोजिशन वाला, तो ये कितना पैसा दे रहा है? 25,000 रुपया दे रहा है। और वही रेगुलर वाला खरीद रहा है तो क्या पैसा दे रहा है? 25,000 दे रहा है। इसका भी 5% टैक्स लग रहा है और इसका भी 5% टैक्स लग रहा है, तो इसका भी 1,250 और इसका भी 1,250। इन दोनों को जोड़ा गया तो लेफ्ट में आ गया 26,250 और राइट में भी 26,250। अब चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि आपका मार्जिन भी 10% ऐड होगा। तो यहाँ पे जब मार्जिन ऐड होगा तो ये कह रहा है कि टैक्स पे भी ऐड होगा और प्लस परचेज भी ऐड होगा। तो क्या ये दोनों पैसा यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? इसमें आपका टैक्स भी ऐड है और परचेज भी ऐड है। वही चीज आप यहाँ पर भी देखिए, ये कह रहा है कि रेगुलर के लिए जो कास्ट होगा, ये कह रहा है कि आपका मार्जिन जो ऐड होगा ये केवल 25,000 पे ऐड होगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है सेल्स प्राइस प्लस मार्जिन आपका लिखा हुआ है। यानी कि इसमें जब ये पैसा ये लगेगा तो 26,25 कहाँ से आया? तो आप खुद देखिए, 26,250 का अगर आप 10% मार्जिन से ऐड करेंगे तो यहाँ पे 26,25 रुपया आपका आएगा। और वही इसका कह रहा है कि आपका केवल लगेगा किस पे?
परचेज पे, तो परचेज का जब आप 10% निकालेंगे तो परचेज का 25,000 और 10% इसका 2,500 आ जाएगा। तो ये जब दोनों जोड़ेंगे आप तो इसका अमाउंट आ जाएगा 28,875, और ये तब जब दोनों जोड़ेंगे तो 25,000 तो पहले से था ही, और प्लस दो कितना हो जाएगा 27,500, ये है 27,500। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब कह रहा है कि इसके लिए जीएसटी बिल्कुल 0 पैसा होगा। क्यों? क्योंकि जब ये प्रोडक्ट सेल करेगा तो इसके लिए टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी, यानी कि टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वही जब ये प्रोडक्ट को सेल करेगा तो ये टैक्स क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। तो अब ये इसके लिए 0 आ गया, और इसके लिए टैक्स क्या परसेंट ले रहा है? 5%। तो इसके लिए आ गया 1,375 रुपया। लेकिन कैसे आया 1,375? तो 27,500 रुपये का अगर गुड्स से सेल करेगा तो उसमें कस्टमर से 1,375 रुपया 5% जीएसटी ले। अब समझ में आया? अब वो पैसा हम जोड़ेंगे तो 28,875 रिकम्पोजिशन में और 28,875 आपका रेगुलर। अब दोनों में आप जोड़ेंगे तो 28,875 का 1% आपका 289 आएगा, और इसके लिए तो ये आईटीसी यानी कि टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी अपना माइनस करेगा, तो टैक्स लायबिलिटी आपका कितना है? 1,375 रुपया है, और प्लस माइनस आईटीसी कितना है? 1,250 है। तो 1,375 में से 1,250 माइनस करेंगे, 125 रुपया ये गवर्नमेंट को देगा, और ये मात्र 289 रुपया देगा। अच्छा है, हाँ, इसको कम देना पड़ रहा है, इसके पास खर्चा नहीं है तो उसको ज्यादा देना पड़ रहा है, बस यही अंतर समझना है। हो जाएगा? तो इसको आप लैब में चल करके एक्सेल पे बना के एक बार ट्राई करिए, कैलकुलेशन एक बार चेक करिए कि सही है कि गलत है, एक बार लैब में ट्राई करिए तब तो पता चलेगा।